स्वागत है आपका द राइव इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सुमित शांति। बिहार में आचार संहिता लागू हो चुका है, सभी पार्टियां चुनाव के लिए अपने अपने क्षेत्र में निकल चुकी हैं। इस बीच बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री आशुतोष कुमार जी, जो कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो चुनावी अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है, तो इसी के साथ इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। आशुतोष जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, आप इस पार्टी के अध्यक्ष बनने से पहले आर्मी में थे, वहाँ से सीधे राजनीति में आना कैसे संभव हो पाया? सीधे राजनीति में नहीं, 8 साल बिहार में समय देने के बाद, लोगों तक पहुँचने के बाद हमें लगा कि बिहार को एक विकल्प की आवश्यकता है, इसलिए हमने विकल्प दिया। 2010 से लेकर 2020 तक हम लोगों के बीच और लोगों के आदेश के बाद ही एक विकल्प दिया, क्योंकि उलझाएँ तो किसके साथ, बिहार में ये तय ही नहीं करना था कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान है, यहाँ तो कम बेईमान कौन है ये तय करना, क्योंकि जब तय ही करना तो बेईमान तो क्यों पड़ती है, एक शांत शरीर का ईमानदार जिसके पास सोच हो डेवलपमेंट को लेकर, वैसा एक विकल्प खुद ही हम क्यों नहीं बनाते, समाज के लोगों ने ही आदेश दिया। 7 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में जो हमने रैली करी थी जिसमें 1.5 लाख से ऊपर लोग पहुँचे, सरकारी दबाव होने के बाद दबाव इस सेंस में कि कई जगहों पर जाम लगा दिया, तो लोगों ने कहा कि आप विकल्प दीजिए। वो जो 7 नवंबर को अपने पटना गांधी मैदान में जो रैली किया था उसको सत्ताधारी जो दल है वो बता दिए तुम फ्लॉप हो गई, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब तक की जितनी भी रैलियाँ हुई, यदि 1.5 लाख लोग पहुँचे और वो रैली फ्लॉप है, तो नीतीश कुमार जी जो गांधी मैदान में ठीक उसके 1 महीने के बाद किए थे जिसमें 4,000 लोग पहुँचे थे, उसको क्या बोलेंगे? उसको राजनीतिक दल के हिसाब से उसको सफल रहनी पड़ेगी। आपकी जो पार्टी है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार में परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन पूर्ण रूप से। आपको सत्ता परिवर्तन 243 विधानसभा पर परिवर्तन नया नया, तो सत्ता परिवर्तन से केवल मतलब है या रोजगार या अन्य सारी? हमने पहले कहा व्यवस्था परिवर्तन, जब व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा तो यहाँ रोजगार का विषय बनेगा, अपराध पर भी पूर्ण विराम होगा, भ्रष्टाचार भी बिहार बनेगा और खास करके शिक्षा स्वास्थ्य महिला सुरक्षा इन चीज़ों पर भी बल दिया जाएगा। तो महिला सुरक्षा की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो नीतीश जी और केंद्र सरकार दोनों के साथ में ही सरकार बनी हुई है, तो केंद्र सरकार भी ये कहती आ रही है कि महिलाओं से छेड़खानी बर्दाश्त नहीं होगी, मतलब पूर्ण सुरक्षा दिया जा रहा है महिला, और आप फिर कह रहे हैं हर हफ्ते एक दर्जन, हर रोज एक दर्जन बलात्कार इसी बिहार में, और 15 साल से नीतीश जी की सरकार राजगीर को बनी का मुजफ्फरपुर में जो बच्चे के साथ बलात्कार हुआ जो कि हम लोगों ने उसका विरोध किया था, तो FIR दर्ज कर दिया गया, 20,000 रुपये देकर विरोध करने पे था, 20,000 रुपये देकर बेल करवाना था। हर रोज एक दर्जन से अधिक बलात्कार इसी में, और ये कहते हैं सुशासन। हमारे देश की जो सेना है वो अपने कर्तव्यों के प्रति पूरा निष्ठापूर्ण रहता है, विशेषकर सवाल आपसे इसलिए कि आप वहीं से आए हैं उसी घर से निकले हैं, तो क्या आप राजनीति में भी आए हैं तो वही निष्ठापूर्ण व्यवहार या फिर कर्तव्य अच्छी कर्तव्य का पालन करेंगे या फिर इसमें थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार? बढ़िया सवाल है आपका, बढ़िया सवाल है। सबसे पहले बात तो कि हमने राजनीति सीखा नहीं, हमारे पूरे खानदान में आज तक किसी ने राजनीति नहीं, इसी बिहार के मंगल ग्रह के हैं, पूरे खानदान में किसी ने आज तक राजनीति नहीं, मैं पहला व्यक्ति हूँ पूरे पीढ़ी 10-20 पीढ़ी आप उठा कर देखिए, पहला व्यक्ति हूँ जो राजनीति कर, और वो भी थोड़ा हट के धारा के विपरीत, लालू नीतीश के दोनों के विरुद्ध, तो धारा के साथ जो बहता है ना, जो भ्रष्टाचारियों के साथ में चलना चाहता है वो उल्लास होता है, जो धारा के विपरीत लड़ता है उसको तैराक, तैराक मिलने के लिए बिहार दिल्ली पर नहीं लोगों के दिल पर राज कर। ऐसा ऐसा तो नहीं कि मतलब बिहार में तो सबको जानता है कि भ्रष्टाचार है राजनीति में, तो ऐसा तो नहीं कि आप सोचें कि इसमें है तो वो भी प्रक्रिया आप आगे देख लेते हैं थोड़ा? अभी तो आने वाले समय में लेकिन मतलब आप कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा कोर्ट कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी हमको सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। भ्रष्टाचार बिहार में क्या करेगा, बिहार तो खुद ही नंगा हो चुका है, तो नंगा क्या रहेगा और क्या निचोड़ेगा, और जो निचोड़ रहा है नंगा को
जो इस बीमारों बिहार को भी नहीं छोड़ रहा है, जो इस मरता डूबता कराहता बिहार को भी नहीं छोड़ रहा है, उससे बड़ा पापी तो ब्रह्मांड को कोई हो नहीं सकता। पहले बिहार के लोगों को भोजन तो उपलब्ध करो, पहले बेहतर शिक्षा की व्यवस्था तो करो, बेहतर पुलिसिंग तो करवा दो, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर तो करवा दो, स्वास्थ्य व्यवस्था तो बेहतर करवा दो। और भ्रष्टाचार करने के लिए वो डिपार्टमेंट हमने छोड़ दिया है लालू यादव नीतीश को, आप लोग के लिए हमारा सैनिक का जो काम होता है जो हमने बॉर्डर पर किया है वही मतलब वही कर्तव्य यहाँ भी निश्चित रूप भारतीय अपने आप को खोजी नेता नहीं। पार्टी तो बन गया है तो कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? सभी 243 पूरी 243 उम्मीद कितने की? उम्मीद जितने की जनता को बढ़ती है। यह तय है हमारी पहली बार चुनाव में, हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन इतना तो दावा जरूर कर सकते हैं कि बिना हमारे समर्थन किसी की सरकार नहीं बनी। उनका फिनेंस है निश्चित रूप से, जो जन सलाब देखने को मिल रहा है तो बदलाव का बयान नहीं और बदलाव की आंधी। आप बहुत सारी बातें कही, साथ ही आप नीतीश कुमार को कहते हैं कि सदा सही दिखा रही है, क्या संभव है? वैसे भी उठने का उनका टाइम आ गया, रिटायरमेंट तुम लोग को बिल्कुल ले लेने चाहिए था, लेकिन अब नहीं ले रहे तो जबरदस्ती खींच कर उतरना पड़ेगा और इस बार खींच होगा। बिहार में कभी नया नियम है जो कि बिहार सरकार द्वारा लिया गया नियम है कि अगर दलित परिजन के घर में किसी की हत्या होती है तो उसके एक परिवार को नौकरी दिया जाए, आप इससे सहमत हैं या फिर? सबसे पहले तो इस पर कोर्ट को संज्ञान लेते हुए अब तक नीतीश कुमार के खिलाफ FIR कर देना चाहिए था, और इस अपराध को हत्या को बढ़ावा देने के जुर्म में अब तक नीतीश कुमार को जेल के भीतर होना चाहिए, जो कि बाहर घूम रहे हैं। सबसे बड़ा अपराध तो ये है, जैसे ही नीतीश कुमार ने स्टेटमेंट दिया उसके 2 दिनों के भीतर में 3 दलितों की हत्या हुई, और कारण यही रहा कि नौकरी के लिए, एक बिता जमीन के लिए चाचा भतीजा की हत्या कर दे रहा, बाप बेटा की हत्या कर दे रहा, भाई भाई की हत्या कर दे रहा, और यहाँ नौकरी की बात। और यदि देना ही है तो क्या जो पिछड़ा दलित अति पिछड़ा अल्पसंख्यक फॉरवर्ड, यही सवाल, क्या इसके घर का परिवार मारा जाता है तो उसकी तकलीफ क्यों होती है, उसके आश्रितों को नौकरी क्यों नहीं? यही सवाल चिराग पासवान भी उठाए, सब लोग उठाएगा, पूरे बिहार के लोग उठाएगा। के आप समर्थन करते हैं जो ये कहे थे कि यही पिछले 15 सालों में जितने दलित मरे हैं उन सबके परिवार को नौकरी दिया जाए? बिल्कुल होना चाहिए, दलित मरे हैं, दलित के साथ साथ में जो भी मरे हैं आपके राज्य सबको नौकरी दीजिए, दलितों की पिछड़ों को भी दीजिए, अगड़ों को भी दीजिए, जो भी आश्रित हो उनकी उम्मीद दीजिए। एक निर्दलीय विधायक है अनंत सिंह जो कि पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चे में है, क्या वो आपके पार्टी में चुनाव लड़ेंगे? ऐसा अफवाह मतलब खबर डाल रही है, हमेशा चर्चे में रहते हैं, अफवाह है या सत्य? वो हमेशा चर्चे में रहते हैं, ठीक है, मतलब आपके पार्टी में चुनाव लड़ेंगे इस बार? चुनाव लड़ जाए, समाज के ही हैं, स्वागत है। मर्जी इस विषय में कभी आप लोगों से बात हुई? नहीं, हमारी इस विषय में बात नहीं हुई, क्योंकि हम जब से पार्टी में आए तब से देर में, उसके पहले हमारी मुलाकात। एक बार आपने इंटरव्यू दिया था, मैं अपने गिरिराज सिंह पर आरोप लगाया था कि वो टीका भी करते हैं और टीक भी रहते हैं, इसके बावजूद भी मीट खाते हैं, आज भी आप उस अपने बयान पे कायम हैं या फिर उस पर पश्चाताप करते हैं? हम उस दिन झूठ थोड़े बोल रहे थे, तो आज भी कायम है आपके ही पार्टी के कुछ लोग, मैंने भी तो सर कमेंट देखा था, हम झूठ उस दिन भी नहीं बोल रहे थे और आज भी अपने बात पर अड़े हैं, क्योंकि हम नहीं जानते उनके गाँव के लोग, उनके बतिया अगल बगल रहने वाले लोग हैं, और वो कुछ दूसरा मुद्दा था जिस बात को लेकर। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपके कुछ आपसी मतभेद था इसलिए आरोप लगा दिया आपने? हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं, लेकिन जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, उससे बड़ा गद्दार है किसान, चाहे वो गद्दार हो या कोई भी हो, समाज के साथ गद्दारी करेगा। नीतीश कुमार जी से इतनी नाराजगी आई? नीतीश कुमार जी कालिदास बन गए, इसलिए नाराजगी, जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी को काट देंगे, जिस समाज ने इनको ताज पहना है उसी समाज के लिए। आपके अगला सवाल हो रहा है, आपके पार्टी में कुछ मुस्लिम भी आए हैं जिसके बाद से अन्य जो पार्टियां हैं वो आप पे आरोप लगा रही है कि ये बुनियाद प्रबंधन से शुरू करते हैं और मुस्लिमों पर आगे खत्म करते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं? आरोप लगाने वाले अन्य पार्टी नहीं, केवल भाजपा वाले लोग हैं और उनके IT टीम के लोग हैं, वही मतलब ऐसा आरोप लग रहा है। सबसे पहले हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि भैया पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करके मुसलमानों का वोट देने का अधिकार छीनवा दीजिए, या एक आदेश जारी करवा दीजिए कि इस देश का सारा मुसलमान पाकिस्तान से आ जाए, इस देश में नहीं जाए। जब तक आप
मुस्लिम वोट की तुष्टिकरण करते रहेंगे, दलित वोट की तुष्टिकरण आपको जब तक मुसलमान वोट की जरूरत है हमको भी, हम क्यों नहीं चाहेंगे? आप शाहनवाज हुसैन को किस लिए बनाकर रखे हुए राष्ट्रीय को? वो ये कहते हैं मुख्तार अब्बास नकवी को क्यों रखे हुए? वो ये कहते हैं कि आजादीवाद, आप भी तो राम मंदिर से शुरू किए थे। शाहनवाज हुसैन कौन सा राम मंदिर बनवा रहे हैं? मुख्तार अब्बास नकवी कौन सा राम मंदिर बनवा रहे हैं? और आपके नीतियों के खिलाफ मुसलमान खड़ा हो, गलत नीतियों के खिलाफ मुसलमान खड़ा हो, हिंदू खड़ा हो, क्रिश्चियन खड़ा हो, ईसाई खड़ा हो, भूमिहार खड़ा हो, दलित खड़ा हो, कोई भी खड़ा हो, उसके लिए बिल्कुल हमारा चारों गेट खुला है, उसका स्वागत है। ये जाते जाते अपने तमाम सवालों के जवाब दिया, एक आखिरी सवाल और है। देश में कोरोना के इतने बढ़ते मामले आज भी बढ़ रहे हैं, बिहार में भी कोरोना का क्या असर है छुपा नहीं है? बिहार सरकार के एक सचिव को ही बाहर रातों रात बैठना पड़ रहा है, बाहर बैठना पड़ रहा है। फिर अगर चुनाव हो रहा है तो आप तमाम पार्टियां मिलकर के इसको विरोध क्यों नहीं? और पता करवाइए, हमने PIL भी दर्ज किया था कोर्ट में। पहली ऐसी पार्टी है जिसने कोर्ट में अपील किया था कि इस कोरोना काल में बिहार जैसे राज्य में जहाँ आबादी हिसाब से ज़्यादा है और शिक्षा का स्तर बिल्कुल निचले पैमाने पर, भुखमरी गरीबी ज़्यादा है, और आप ऐसे राज्य में इस तरह का चुनाव प्रयोग कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। अब लाशों के ढेर पर इस तरह का चुनाव प्रयोग करना ही करना सीखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आयोग किसी के दबाव में काम कर रही है? अब सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग यदि किसी के दबाव में काम करने लग जाए, मीडिया किसी के दबाव में बोलने लग जाए, तो फिर तो ये लोकतंत्र की हत्या है ना। फिर लोकतंत्र क्यों, राजतंत्र क्यों नहीं? आप मीडिया पर आरोप लगाते हैं कि हम इतने सारे रैली करते हैं, कोई करने से आरोप नहीं लगाते हैं, सच बोलते हैं, सच बोलते हैं। 1.5-2 लाख की संख्या में लोग के दुखने के बाद भी जो किसी नेता के बहकावे में नहीं आया था, अपनी मर्जी से आया था, केवल एक विचारधारा से प्रबंध किया, और आपने एक मिनट का भी समय अपने चैनल में देना उचित नहीं समझा, इसका मतलब आपको अपने आका से डर है। या तो हमको जो करोड़ों फंडिंग करता है फंड नहीं देगा एडवर्टीजमेंट के नाम पर, या फिर वो अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करके आपका चैनल बंद। लानत है आपके मीडिया करने वाले को, लानत है आपके आपके जैसे लोगों को, देश का चौथा स्तंभ कहते हुए मुझे शर्म आता है और हम नहीं कर सकते। सेना पे काफ़ी राजनीति होती है, राजनीति कही है या फिर उसको जो भी कही है, बीजेपी सेना के पीछे से ही रह करके अपना सत्ता चला रही है। सेना में आप 7-8 साल काम भी किए हैं, इसलिए जैसे आपसे इसलिए राजनीति, अगर सेना में यहाँ जो सुविधाएँ बताई जाती है, क्या वह 0 पॉइंट पे जैसे सुविधाएँ मिलती है या फिर इसमें कुछ इसमें भी राजनीति की जाती है? देखिए, वो अलग अलग जगह का लोकेशन के हिसाब से, और सेना के नाम पर तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। सेना के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उससे वैसी मानसिकता किसी की नहीं हो सकती है, और ये सिविलियंस को नहीं पता हो सकता है कि सेना में क्या तकलीफें झेलनी पड़ती है, एक सैनिक का कर्तव्य क्या होता है, क्या क्या दुख देखना पड़ता है, कितनी रातें गंवानी पड़ती है, ये हमने देखा है नज़दीक से। इसलिए सेना पर नो कमेंट, केवल से लिए। ये अब एक नया विधेयक आया है, किसान संशोधन विधेयक एक नया आया, उसका आप समर्थन करते हैं या उसके भी विरोध? उसमें कुछ अच्छाई भी और कुछ खमियाजा भी, मिला जुला मिला जुला उसका कुछ नहीं, हर बात पर विरोध नहीं होना चाहिए। चलिए जाते जाते अंतिम सवाल, सुशांत सिंह जो कि आजकल चर्चे में है, उनसे उनपे आप क्या राय? अब कम से कम सुशांत सिंह का मरने के बाद तो पीछे छोड़ दीजिए, CBI को अपना काम 3 महीने CBI को अपना काम करने दीजिए। कैसे लग रहा है जैसे CBI यहाँ अर्णब गोस्वामी बैठे हुए हैं, CBI अंजना ओम कश्यप है, CBI सुधीर चौधरी हैं, CBI रजत शर्मा है, CBI को अपना काम करने दीजिए। आप रिया सेन से मीडिया वाले पूछें, रिया सेन को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं सुशांत के बारे में, इस तरह से लोग बैठे हुए जैसे लगता है आजकल TV चैनल देखने पर कि हम कोर्ट में बैठे हुए और वो जज बैठे हैं, वो फैसला सुना रहे हैं, ऑर्डर हम सुन रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अभी रिया सिंह सुशांत सिंह राजपूत खत्म हो गया, अब कमिश्नर राव आ गए, परसों अनुष्का शर्मा आ जाएंगे। बिहार के आप जेनविन मुद्दों कब दिखाइएगा और कब तक भागिएगा, कब तक अपने आका के पल्लू में छुपे रहिएगा? चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल है, आत्मनिर्भर भारत पे आपकी क्या राय है? आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब इस देश का एक भी गरीब उत्पाद पर भूखा नहीं, एक भी भूखे को
एक भी व्यक्ति को, एक भी गरीब को खाली पेट रात नहीं गुजारना पड़ेगा, उस दिन हमारा देश अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगा। फिलहाल इस देश के गरीबों के लिए योजना न केंद्र सरकार के पास है, न राज्य सरकार के पास है, और ना कोई विजन दिखता है, ना कोई सोच दिखता है इस देश के गरीबों का उत्थान किया जा सके, इस देश के बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके, भूखों के पेट में भोजन दिया जा सके और नंगों के शरीर पर कपड़ा दिया जा सके। जो भी सवाल मैंने पूछा उसका आप बड़ी बेबाकी से जवाब दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।